हेलो विजाता इलेक्ट्रॉनिक्स, नया प्रोडक्ट्स नहीं आया सर? बगल के शोरूम में देख लीजिए, ठीक है? हेलो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स सर, टीवी ब्लास्ट हो गया सर, उसकी वारंटी है ना सर? एक काम करिए, सब इकट्ठा करके उसे कूड़ेदान में डाल दीजिए, हमारे पास नए पार्ट्स हैं, आप शोरूम में आ जाइए सर, हम आपको एक बढ़िया टीवी दिखाते हैं सर, ठीक है ना सर? बाय सर, हैव अ नाइस डे। हेलो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी नहीं आया सर, अभी नहीं आया सर, नहीं आया। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं सर, ओके सर, नमस्ते। भाई hey, कहाँ यार? मैं ऑफिस में हूँ यार, आज ऑफिस में एनुअल डे पार्टी है ना, एंजॉयिंग। तुम अर्जेंटली यहाँ आ जाओ। क्यों? जो बोला है जल्दी कर। आज नहीं रे, कल आऊंगा, ठीक है? मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तू जल्दी आ। भाई, इसको भी हमेशा अर्जेंट ही रहता है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स सर, शोरूम बंद हो गया सर। ओके, कोरोना है, कोरोना हो गया सबको यहाँ पे। ओके सर, बाय सर। बॉस को पता चला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करूं, मैं ही निकल लेता हूँ। चलो। क्या हुआ विराट, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ नहीं, कुछ दिन के लिए बाहर चल रहे हैं बस। तुम सुपर हो यार, 1 महीने तक गोवा या ऊटी लेकर जाओ, बहुत एंजॉय करेंगे, उधर जगह भी बहुत अच्छी है। क्या जगह होगी, इसने फोन किया इसलिए मैं आ गया, बॉस से छुट्टी भी नहीं मांगी है, नौकरी से निकाल देगा मुझे वो। हाँ, तेरा तो IAS जॉब है ना, बेकार टीवी शोरूम में एक बेवकूफ जॉब करते हो। इतनी बड़ी बड़ी बात मत करो, अपना मुंह बंद करके बैठो। क्या हुआ विराट, तुम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते और अचानक लॉन्ग ट्रिप, क्यों? कुछ नहीं, तुम लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए, अमेरिका से आने के बाद तुम लोगों के साथ वक्त ही नहीं बिताया, इसीलिए ये ट्रिप है। हम सबको एक साथ एंजॉय किए काफी दिन हो गए है ना। हेलो हेलो भांजे, मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ। मामा बोलो, अभी कहाँ हो तुम? मैं शानवी और हमारा बैच थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ। क्या बात है बोलो। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, विजयनगर कॉलोनी के पास आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। कौन, तेरे मामा है ना? छे, उसने फिर से उधार लिया होगा इसलिए तुमको फोन कर रहा है, फालतू मामा। मामा कार आ रही है। हे, कौन हो तुम? मामा तुम? वांगे, मैं हूँ। मामा क्या हुआ, आप कह रहे थे कुछ बात करनी? वो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम लोग लगेज लेके कहाँ जा रहे हो? लॉन्ग टूर, एंजॉयमेंट के लिए। तुम भी इधर ही हो क्या? क्यों देख नहीं रहा हूँ? छे मुंह बंद कर। अच्छा सुनो ना, मैंने सुब्बा राव से थोड़े पैसे उधार लिए थे, अब वो पैसे के लिए मेरा पीछा कर रहा है, अब मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊंगा। छे यार, फिर टेंशन होगी। चुप, बकवास बंद कर।
मैं तेरा मामा हूँ ना बेटा, तेरी माँ के इकलौता भाई, प्लीज भांजे। मामा वो बात नहीं है, आप हमारे साथ कैसे रहोगे? तू वो सब चिंता छोड़ दे, बस मुझे लेके चल, समझा ना? ठीक है, चलो बैठो। अरे चलो आओ। ए, तुमको ही जलना मुश्किल है, फिर ये कौन है? वो मेरा असिस्टेंट है। हे मामा, जहाँ रहेंगे वहाँ मैं भी रहूंगा, अब बताओ कहाँ बैठूं? डिक्की में बैठो। ओके। ए, जल्दी कर इसमें ना तू अच्छे से फिट हो जाएगा, बैठ जा। चल मैं आगे जाता हूँ, चलो 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 चलो। अब थोड़ा चैन आया। अरे मारे, कार में बैठे बैठे बदन में दर्द हो गया। निकलो, सो गया था क्या? चला जा, मजा आया ना? क्या भांजे, तुमने तो लॉन्ग टूर बोला था, मुझे लगा था गोवा या ऊटी लेकर के जाओगे और तुम इस घर में लेकर चले आए। अरे मैं तो ऑफिस के एनुअल डे पार्टी में जा रहा था, लेकिन इसने अर्जेंट फोन करके यहाँ बुला लिया। यहाँ साफ सफाई और पेंटिंग करना है क्या? थोड़े दिन के लिए हम लोग इसी घर में रहेंगे। यहाँ के एंजॉयमेंट करेंगे। छे, बोला ना, मुंह बंद करके चल। हाँ मुंह बंद करके ही तेरे पीछे आए हैं कमीना। वाओ कितना अच्छा है, यहाँ बहुत मजा आएगा। क्यों, इतने दिन कुटिया में थी क्या? वाओ ये कौन है यार, एकदम तंदूर जैसी गरम है। ए लंगूर, तुम्हें कोई तंदूर बोला? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं इस घर में काम करती हूँ। क्या काम करती हो तुम? सब काम करती हूँ, घर का सारा काम और खाना बनाती हूँ, सब काम करती हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते, टिफिन रेडी करो। ठीक है साहब। अबे छोटे। हाँ मामा। ये काम वाली नहीं अरे, काम वाली है, इसे देखते ही दिल में पटाखे फूटने लगे यार। थोड़ा संभल कर रहना मामा, आग लग सकती है। अपना मुंह बंद कर और जाके क्वार्टर लेके आ। हाँ। मैं इसका मैटर देखता हूँ। ठीक है, जा। अभी जाता हूँ। विराट, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, हम सब बुलाते तो तुम तो सोचते ही रहते हो ना, और अब हम सबको लेकर इतनी अच्छी जगह आ गए। ऐसा बदलाव कैसे हुआ बताओ, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहा करती थी ना कि प्यार तो करते हो लेकिन टाइम स्पेंड नहीं करते, बस वो बात दिल पे लग गई मेरे। बस इसीलिए। सच में? मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी बितानी है। प्यार है ना, ऐसे ही होता है। छे, इतना अर्जेंट आने के लिए बोला कि जॉब भी छोड़कर आ गया इधर। यार यहाँ पे पेड़ वेड़ के अलावा तो कुछ है ही नहीं यार, ना स्विमिंग पूल है ना बार है, क्या यार फालतू की जगह लेकर के आ गया, ना मटन ना चिकन, बोर हो गए यार हम। फिर सुबह? हाँ, वो तो बहुत और स्मार्ट है भाई। छे छे, अभी बताता हूँ उसको। भागने के लिए सोच रहा था ना। मिस्ड कॉल क्यों दिया इसको? रुको रुको रुको, कम ऑन, देखो करो प्ले करो, सॉन्ग प्ले करो। हाँ इधर ला। हेलो, अरे आ जाओ, यहाँ पार्टी में हो। तुम्हें फोन लग गया क्या? बाय मिस्टेक यार, सॉरी। यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी है, चाइनीज रशियन सब लड़कियाँ आई हैं यार, मजा आ रहा है बात। दारू भी फुल है और एक
एकदम फ्री में यार, मसाज करने के लिए बैंकॉक से लड़की आई है भाई, मजा आ रहा है। तू भी आएगा क्या? आजा आजा तुरंत आएगा क्या? हाँ ठीक है, लोकेशन शेयर करता हूँ मैं, आजा आजा। अरे आजा यार, ठीक है ठीक है, आजा, इंतजार कर रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा? आने दो उसे, आओ बेटा। कैसा है भाई? कोरोना, फिजिकल डिस्टेंस। चाइनीज गर्ल किधर है? चाइनीज, चाइनीज, हाय। और फिर रशियन? रशियन, हेलो, नमस्ते, हैप्पी, एंजॉय। लेकिन मसाज तो है ना? अरे यार वो तो स्पेशल है, ए मसाजर। अब ये कौन है? कैसी मसाज चाहिए आपको? चपाती मसाज, रोमाली रोटी मसाज, इससे कोई भी मसाज करवाइए, वो भी एकदम फ्री फ्री फ्री। ची ची ची, जाओ मसाज करो, चलो। ये विराट रात में कहाँ गया था? चलो चल के उससे ही पूछ लेते, चल के पूछते हैं। चल, ये भी उधर ही जा रही है, पता नहीं, चल इसी को फॉलो करते हैं। विराट, विराट, रात को रूम में नहीं थे, कहाँ थे? रात में थोड़ा काम था, इसीलिए बाहर गया था। वहाँ क्या काम था? और वो भी उतनी रात में क्या काम था, बताओगे? एक दोस्त को मिलने के लिए गया था। उस टाइम में? अरे बोला ना, फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। इतनी सीरियस क्यों हो रही हो तुम? कौन सीरियस है और कौन सिंसियर है ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है, समझ गए तुम? चलो चलो। ए छोटे। हाँ मामा। ऊपर क्या हुआ होगा? झगड़ा हुआ होगा ऊपर। हाँ झगड़ा तो हुआ, लेकिन हुआ किस बात पे? रात को कहीं भांजे ने कुछ किया तो नहीं? जाके पूछ के आऊँ क्या? मुंह तोड़ दूंगा मार के। वैसे वो तंदूर कहाँ है? किचन में। अच्छा तो चल फिर देखते हैं। अरे लक्ष्मी तो कपड़े धो रही वो है। तो कपड़े धो रही है, चल आ जा। क्या लक्ष्मी, क्या कर रही हो? हाँ, हाँ धोने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा सुनो, बाहर मत जाना, कुत्ते बहुत ज्यादा हैं। वो कुत्ते हमारा क्या कर लेंगे भला, तुम जरा होशियारी से रहना। चल रहे बेवकूफ। बेवकूफ कौन है, वो तो मैंने खुद ही देख लिया। बहुत बोलने लगा है तू, चला जा कहीं घूम के आते हैं।
हे, कौन हो तुम? हे, 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 रुक, रुक, आज तो कोई नहीं है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे रे रे, मेरी तंदूर। अरे वाह, अरे रे, क्या कर रहा है? किच कर रही है। तो यहाँ क्या करने आया था? मछलियाँ पकड़ रहा था तू? मछलियाँ पकड़ने के लिए तुझे मछली पकड़वाते। भगवान, मैं बर्बाद हो गई। मुझे मच्छी समझ के पकड़ने आया था तू? रुक, मैं तेरे को काट के ना पैन में डाल के फ्राई कर दूंगी। क्या रे, तू मेरे को मछली समझा? तेरे को ना काली माता के सामने मैं मारूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। तो क्या करने आया था? मैं इस घर में कैसे जाऊंगी? ये ले। आज मैं तेरी सारी इज्जत उतार दी। उठ, मैं सबको शोर मचा के बताऊंगी। तू भाग का रहा है। रुक, रुक, तू भाग का रहा है। आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक, ये ले, ये ले, पकड़ेगा मछली, पकड़े, ले और ले और ले। अरे ये आज मैं सबको बताऊंगी। ले, हाय राम है भगवान, ये मेरे साथ क्या कर दिया इसने? है भगवान, मैं कहीं की नहीं रही, मैं किसका मुंह दिखाऊंगी? अरे अरे मामा जी, भाई, ए स्टॉप, क्या हुआ मामा जी? ये चोट कैसे आई? वो बाथरूम में गिर गया था। बाथरूम में गिर गया था। बाथरूम में गिर गए थे? शे, कितनी चोट आ गई है। ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है आपको। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मामा के बारे में गलत मत बोलो। क्या सोचो मेरे मामा के बारे में तुम लोग? हाँ, क्या सोच रहे हो? इधर ही क्या मामा, सच में बाथरूम में गिर गए थे? अरे बाप रे, बोला ना कि बाथरूम में जाके गिर गया था। बिल्डिंग के ऊपर से गिरोगे तो भी ऐसी चोट नहीं आएगी। सच बताओ, क्या हुआ था? कैसे हुआ और कब हुआ? बताया ना, जाके बाथरूम में गिर गया था। तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? चल रहे छोटे, यहाँ रुका तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे। चुपचाप से यहाँ से खिसक ले। ये तंदूर क्यों घूर घूर के देख रहे? मामा कहीं भी गिरेंगे तो हमें उससे क्या है रे? हे, स्टार्ट द म्यूजिक। ओके, शानवी, तुमको क्या हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बहुत उदास लग रही हो, खासकर बहुत गुस्से में भी हो। वैसे तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है जो तुम इतना उदास हो गई हो? कुछ नहीं, बोलो ना। वो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था और मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों करता है वो ऐसा? हे, उसने तुमसे कभी झूठ बोला क्या? फिर भी वो झूठ बोल रहा है, ऐसा तुम कैसे यकीन कर सकती हो? देखो शानवी, ऐसी छोटी मोटी बातों पर तुम नाराज मत हो। दो लोगों के बीच में अंतर आना सही है, दो दिलों के बीच में अंतर आना सही नहीं है। एक बार जाके बात कर लो। जाओ, जाओ ना। ठीक है।
अरे सॉरी विराट, आई एम रियली सॉरी। अब क्या हुआ? देखो मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अब तुम भी उन सब बातों को भूल जाओ। हाँ ठीक है। बाप रे, पूरा बदन ही दर्द कर रहा है यार। ए छोटू, इसे क्या हुआ? ये वैसे भी सुबह सुबह क्या ढूंढ रहा है? वो कम से कम आपकी तरह निकम्मा तो नहीं बैठा? मुंह तोड़ दूंगा ऐसी बातें मेरे सामने की तो। चुपचाप दबाता रहे। वैसे ये ढूंढ क्या रहा होगा? क्या मामा जी, क्या चल रहा है? क्या पूछा तुम? वो कुछ भी करे उसे तुम्हें क्या लेना देना है? बताओ क्यों पूछा तुमने? हिम्मत कैसे हुई? अरे मामा इतनी जोर से क्यों मारा? ऐसे बात करेगा ना तो ऐसे ही मार खाएगा तू। तेरे की छोटे, ये पेड़ और पत्तों को ऐसे क्यों घूर रहे भाई? मुझे भी ऐसा ही कुछ डाउट हो रहा है। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये सुब्बा राव भी फोन करता ही रहता है। अब अरे सुन, इस फोन को स्विच ऑफ कर दे। कमाल है। क्या हुआ मामा? अब बहुत जोर किया ये, मैं जाके आता हूँ। काम वाली की आती है मामा, चला क्यों गया? चक्कर क्या है? लक्ष्मी को देख करके मामा भाग क्यों रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धत, दिखाता हूँ। ऐसा ड्रिंक पीना एक किस्मत है, और मेरे जैसे सीनियर के साथ बैठ के पीना तुम्हारी किस्मत है कि नहीं बोलो? हमारी किस्मत अच्छी है लेकिन आपकी नहीं है। ऐसा क्या? मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। शादी तो नहीं हुई ना मामा? ये माधोपुर का कमाल है। वाइजेक में भी एक है ना? वो बंद कर। मामा ये वाइजेक और माधोपुर का चक्कर क्या है? क्यों तुमको पता नहीं? बोलो ना बकवास बंद। क्या हुआ मामा? वो क्या है ना, वाइजाग में एक रिश्ता देखा था, लड़की अच्छी लगी लेकिन वो माधोपुर चली गई। तो फिर माधोपुर में देख लेते। फिर वो वाइजाग आ गई तो? ये लड़कियां ऐसी होती हैं मामा, थाली के बैगन की तरह लुढ़कती रहती हैं इधर उधर फालतू में। इसीलिए तो मुझे जो पसंद आए उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई लड़की सेठी नहीं होती। उसके बाद ये एक घर गए थे, वहाँ पर सब कुछ अच्छे से सेट हो गया था। सेट हो गया मतलब? वो क्या है कि मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खा के सोने जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, रुक। बेसिकली इंसान को दो टाइप की भूख लगती है, एक ये वाली भूख और दूसरी वो वाली। अब तुम ही लोग बताओ तुम्हें कौन सी भूख लगी है? आप जैसा सोच रहे वैसी भूख की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसा वाला है वो? तो चलिए जरा। मामा मुझे भूख नहीं लगी है, मैं यहीं सो जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो फिर तुम लोग जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है वो करके आता हूँ। ठीक है ठीक है, चलता हूँ मैं। बाय मामा। ठीक है बाय। ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे नहीं करते हैं। अरे मामा, मामा छोड़ दीजिए। तुझे मार डालूंगा। भूख लग रही है? भूख लग रही है तुझे? अरे बाप रे, अरे गलती हो गई। अरे मामा मुझे छोड़ दीजिए, लग जाएगी। अरे बाप रे, ये तो मेरी गत करे। खाएगा? खाएगा? नहीं ठीक है।
अरे डायरेक्टर सर, तुमने बोला वो घर यही है क्या? यही है। अच्छा है, अंदर कोई है क्या? देखते हैं। चलते हैं सर। कोई अंदर है क्या यहाँ पे? ए, वो इधर आओ। चलो। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे। कौन है रे ये लोग? दीवार पे पेंट करने वाले जैसे दिख रहे हैं। बताओ कौन है तुम लोग? जरा घर के मालिक को बुलाएंगे क्या? घर के मालिक से मिलना है? तुझे इतना बड़ा आदमी यहाँ बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओहो, आओ। आपका नाम क्या है सर? मामा। मामा? किसके मामा हो तुम? तुम मेरे मामा हो या मैं तुम्हारा मामा हूँ? किसी का मामा नहीं, नाम ही मामा है। ओह, आपका नाम मामा है? ये कौन है? मेरा असिस्टेंट। ओह, अच्छा ठीक है। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम छोटू है। अच्छा छोटू है, मुझे लगा मोटू है। मुझे बताओ तुम्हारी मूंछ कहाँ गायब हो गई? नीचे सर। ये क्या बोल रहा है? मतलब मेरे पॉकेट में। वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए? पेंट करने के लिए या जनगणना करने के लिए? शूटिंग के लिए, लोकेशन देखने आए। ओहो, अच्छा हीरो कौन है? दरअसल मैंने अमिताभ जी से बात की थी, लेकिन वो इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। उसके बाद मैंने रजनीकांत जी को फोन किया, लेकिन वो भी मेरे एज ग्रुप में नहीं बैठे। फिर आप मामा को ले लीजिए। अच्छा डायरेक्टर, ये कैसे लग रहे हैं? हाँ सर, एक एंगल से तो अच्छा लग रहा है सर। मेरे मामा के अंदर क्या कमी है? इनका हाथ लंबा है, इनका पैर लंबा है, ये खुद ही इतने लंबे हैं। और तो इनका, अरे मैं इनकी नाक के बारे में बोल रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है, हमारे मामा को रख लीजिए ना। दत्त, इसे ले लीजिए, ये सुपरमैन है। अच्छा आप कौन है? दत्त बच्ची। अच्छी। अच्छा फिल्म में मेरा कैरेक्टर क्या होगा और कॉस्ट्यूम्स कैसे होंगे? हमारे फिल्म में कॉस्ट्यूम बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट्यूम नहीं होगा फिर तो सिनेमा हिट। ये कौन है? बिल्कुल आइटम बॉम्ब लग रही है। डायरेक्टर, हमारी हीरोइन के लिए फिट है ना? ये किसी के काम नहीं आएगी। क्या मेरे ऑपोजिट ये हीरोइन होगी? नहीं तो क्या, ऐश्वर्या चाहिए, यही मिलेगी हीरोइन। मिलेगी क्या? नहीं, हमें जाना पड़ेगा। अच्छा वो पीती है? ऑलरेडी मेरे मामा के साथ एक राउंड हो चुका है। अच्छा पीती है क्या? खुद देखो पता चलेगा, राउंड या साउंड क्या है पता चलेगा। डायरेक्टर सर, उसे हीरोइन बनना है या नहीं जाओ पूछो। डायरेक्टर हूँ, ऐसे किसी से नहीं पूछ सकता सर। हेलो, उससे कुछ भी पूछोगे तो वो डायरेक्ट जवाब देगी, 5G काम वाली, जाके पूछो। ठीक है सर, जाओ जाके पूछो। ये कौन है रे, मेरी फोटो ले रहा है? इस एंगल से तो ओके है, फ्रंट से भी ओके है। प्रोड्यूसर सर, कैमरा लो एंगल में रख के पूरा का पूरा दिखा दूंगा, एकदम एक्सपोज। क्या कैमरा लो एंगल में रखो तो सब कुछ दिखेगा क्या? पागल समझ के रखा है तू मेरे को, भाग्या से? मतलब अब देखो तुमको गूगल मैप में सब कुछ दिखेगा। अरे प्रोड्यूसर सर, फोटो खींचेगा टोपी वाला? अरे मैं तुझे फोटो निकालने लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे मार रही हो, हमारे डायरेक्टर को क्यों मार रही हो तुम? वो डायरेक्टर तुम बड़े हो, प्रोड्यूसर नहीं छोड़ूंगी मैं।
पागल प्रोड्यूसर, कमीना डायरेक्टर। विराट, हाँ? मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम यहाँ पर जब से आए हो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, यहाँ तक कि किसी से ठीक से बात तक नहीं करते। बिल्कुल बदल चुके हो तुम विराट। अगर ऐसे ही रहना था तो हम सबको यहाँ पर लेकर क्यों आए? वो लोग भी तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, यही बात करना चाहती थी। कुछ नहीं है शानवी, मैं कुछ काम में बिजी था इसीलिए। सॉरी, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। ओके। क्या हुआ मामा, बहुत खुश लग रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ। काम वाली नहीं है ना, इसीलिए खुश है। क्या बोला उसने? आज मेरे दोस्त का बर्थडे है ना। दोस्त किधर है? वो नहीं है, इसीलिए तो ये पार्टी है। फिर केक, दारू, चॉकलेट्स किधर है? लेकर आ जाओ। तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, मैं लेकर के आऊं? तुझे क्या, डांस करना? लक्ष्मी को देखकर मामा का एक्सप्रेशन क्यों बदल जाता है? चक्कर क्या है? देखता हूँ, पता लगा के रहूंगा। डोंट वरी विराट, तुम होशियारी से रहना क्योंकि इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है। ओके सर। Yeah.
निकलो, भागो यहाँ से। मैं चला रे, मैं तो चला रे, चला रे, चला रे, मैं चला रे। लक्ष्मी ये इतना टिपटाप होके रेडी होके कहाँ जा रहा है? तत तरीके, चल के देखते हैं। चलो। लक्ष्मी, क्या हुआ रे? तुम नाराज मत हो, मैं जानता हूँ उस मामा की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हो। नहीं लक्ष्मी, नहीं नहीं, मैं उस मामा को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे दुख मुझसे नहीं देखा जाता। वो बहुत ही कमीना टाइप का इंसान है और वो बहुत ही अजीब है। मैं उसे देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो, देख लूंगा। क्या क्या कहा तूने? मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ। खाना खाते समय तुमने मुझसे पूछा क्या चाहिए, वहाँ इतने लोग थे लेकिन तुमने मुझसे ही पूछा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी, तो मेरी बात सुनो, तुम मुझसे शादी कर लो ना। हमारी शादी देखकर वो मामा पूरी तरह से पागल हो जाएगा, बस तुम्हारे हाँ का इंतजार है। देखो मैं कितना स्मार्ट भी हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा लक्ष्मी। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, मैंने कहा था ना हमारी शादी से मामा पागल हो जाएगा। चलो। हाँ? उधर क्यों चलना है? तुमको दूल्हा बनना है ना, हम दोनों को शादी करनी है, है ना? तो इधर चलो। सच में शादी करेगी क्या? शादी नहीं, कत्ल करेगी। दोबारा ऐसा काम किया तो तुमको मार डालूंगी, मार डालूंगी, समझा तू? अरे बाप रे, तेरे की तुम्हें शादी करने के बारे में सोच रहा था। हो गई शादी? मजा आया कि नहीं? हाँ, मैं कमीना हूँ, बेवकूफ हूँ मैं। अरे मामा, और भी कुछ बोला इसने तुम्हारे बारे में? हाँ। बोल बोल, एक बार और बोल, बोल बोल, एक बार और बोल। बच्चे नहीं होंगे ऐसा बोल रहा था? ऐसा बोला था? अरे मामा, गालियां दे रहा था ये तुमको? सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। मारो मामा, भागते कहाँ हैं? सही है, सही है। चल ठीक है, हाथ छोड़ और पैर को दबा। चल ठीक है, पैर को दबा। ठीक है मामा। अरे ठीक से दबा। ठीक से तो दबा रहा हूँ। हाथ में जोर नहीं क्या? दबाना ठीक से। हाँ ठीक है। थोड़ा आराम से कर, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? छी, आओ लक्ष्मी, सही समय पे आई हो। लक्ष्मी, तू गंदे हो तुम लोग, छी। इसे क्या लगा, इधर क्या हो रहा है? ए लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो, रुको सुनो तो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपके घर में हम ही रहते हैं। ओह बैठो। थैंक यू। सर, उस घर में पहले कोई और रहता था क्या? नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, जस्ट कैजुअल पूछ रहा हूँ। लेकिन मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है सर, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ये सक्सेस मिली है, आपसे तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए सर। कामयाबी क्या होती है तब समझ में आएगा। थैंक यू सर। आपसे कोई मिलने आया सर? उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर हम विवेकानंद आश्रम से आए हैं छोटे बच्चों को डोनेशन के लिए। थैंक यू सर। दैट्स ग्रेट जॉब सर।
ठीक है सर, मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। श्योर सर। ओके। विराट, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? एंजॉय करने के लिए ना? फिर तुम अकेले ही रहते हो, बस अपने काम में बिजी रहते हो, फिर मुझे साथ क्यों लेकर आए? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो बता दो, वरना जाने दो। मिसिंग 30 करोड़ लेकर वो एक लड़की भाग गई है, अनाथ बच्चों का सारा पैसा लेकर भाग गई है वो लड़की। उसे इस समाज तो छोड़ सकता है, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी रोड पर आ गई है, उनको कैसे भी न्याय मिलना चाहिए, वो मैं करूंगा। ये सब ठीक होने तक मुझसे कुछ मत पूछो तुम। अरे क्या है तेरा प्रॉब्लम? क्या है? तुम हो प्रॉब्लम। मैं तेरा प्रॉब्लम हूँ? मैं तेरा फ्रेंड हूँ। यहाँ आए 10 दिन हुए हमें, ना दारू पीते हो, ना किसी दोस्त के साथ रहते हो, और ना ही कोई एंजॉयमेंट करते हो हमारे साथ। तुम हमारे साथ नहीं रहते, फिर हम लोगों को यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जवाब दोगे इसका हमें? ठीक है, अब क्या चाहिए? तुमने जो लॉन्ग ट्रिप के बारे में बोला था, वो लॉन्ग ट्रिप आखिर कहाँ पे है बताओ? तुमने कहा था एंजॉय करेंगे हम सब। उसके लिए मुझे क्या करना है? एंजॉयमेंट कहाँ है बताओगे हमें? एक बात सुनो, अब हमें पार्टी चाहिए और पैसे तुम खर्च करोगे, क्योंकि तुम ही हम लोगों को यहाँ लेकर आए थे। इतना ही ना, मैं पैसे दूंगा, तुम लोगों को जो भी चाहिए मैं दूंगा। एक फ्रेंड से कैसे बात करना है सीखो पहले। वच्ची जी, आप कौन सा ब्रांड पीते हैं ये पूछो। और सुनो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबका यहाँ पर ख्याल रखो, समझ गए ना? ठीक है वच्ची जी, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए वो लेकर आता हूँ, सभी लोग मिलकर पी लो। ओके ना? हाँ, ये हुई ना दोस्तों बात तब तरह की। जल्दी आना। ये क्या कर रहा है? दिखा दिखा। ये सुब्बारा बार बार फोन कर रहा है, बात क्या आज पता करेंगे। हेलो। अरे मामा, मैं सुब्बारा बात कर रहा हूँ। कितनी बार फोन किया तुमने, क्यों फोन नहीं उठाते हो? दैट तरीके, बच्ची नाम है मेरा। बच्ची? मामा भी वॉशरूम गए हैं, बात क्या है बताइए। अपने पैसों के लिए फोन किया है। ओहो, ऐसा है क्या? कितना? 1 लाख रुपए है। हेलो हेलो हेलो, चिल्लाओ मत भाई, कूल कूल कूल। लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी भेजो। तुम यहाँ पे आ जाओ, मामा इधर ही हैं। पैसा चाहिए तो आना ही पड़ेगा। लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी भेजो। है लोकेशन भेजता हूँ, बोला ना, रखो फोन। अच्छा आ जाओ। हाँ आ जाना। हे भगवान, बहुत पका हुआ आदमी ये तो। अब आएगा मजा। वाह, चल दबा बे। बॉडी में पेन होता तो क्या करते हो मामा? मुझे? हाँ? मुझे बॉडी पेन नहीं होती है, और अगर हो भी गई तो। किसी ने तुमको मारा है क्या मामा? नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा। हाँ? मेरे ऊपर हाथ उठाया। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत है क्या किसी में? हाँ सही कहा मामा, एकदम सही। और क्या? अरे ए मामा, ए किधर है तू? ये क्या फोन से आने वाली आवाज बाहर से कैसे आ रही है? तो अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। कहाँ है क्या तू? फोन में नहीं है मामा, वो सच में आ गया है। क्या? अब सुनो, मैं घर के अंदर हूँ, ये बात उसे किसी भी कीमत पे मत बताना, समझ गए ना? अरे बिल्कुल नहीं बताएंगे मामा। लग गई मामा। अगर आज मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अरे छोटू, तुम यही हो क्या? वो किधर है? वो किधर है? कूल कूल कूल। क्यों, पैसा चाहिए ना? पैसे चाहिए, जल्दी चाहिए। पक्का ना? पक्का ना? चिल्लाओगे तो भाग जाएगा। वो किधर है ये बताओ, मैं नहीं चिल्लाऊंगा।
हाँ, लेकिन तुम कौन हो? तेरे की बातची। फोन पर तुम ही बात कर रहे थे ना? लेकिन वो मामा किधर है? बकवास बंद, चुपचाप आ जाओ। तुमको बीपी और शुगर भी है क्या? वो सब तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए। मामा किधर है तू? मारूंगा एक बस। चुप, पैसा चाहिए ना? चाहिए। चुप चुप आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहीं रहो। मामा वो चला गया क्या? हाँ, मैंने उसे डरा करके भगा दिया, आप आ जाओ। अच्छा, तो फिर मैं आ रहा हूँ। दद 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 बच्ची। अब अब क्या हो गया तुम्हें? ऐसे तो चिल्लाते रहते हो, अब चिल्लाओ ना पैसों के लिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत रहो, जाओ तुम भी जाओ। आएगा मजा तेरी तो। मेरे पैसे निकाल, पैसे निकाल। तू क्या सोच रहा है? इधर छुपा रहेगा और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं नहीं सुनने वाला, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। क्यों रे, जब से मेरे पास से पैसा लेकर गए हो तब से मेरा फोन नहीं उठाते हो। यहाँ अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो। दूंगा तुम्हें अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना। ये कौन है रे? ये तो एकदम हीरोइन जैसी लग रही है। क्यों, पसंद है क्या? तुम बात करवा सकते हो क्या? जानते हो ना मुझे, मैं मामा हूँ। चाहने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बताओ मुझे क्या करना है? सीधे डायरेक्ट जाके पूछो ना, जाएगी क्या? क्या? हाँ। मतलब वो मुझे मिलेगी क्या? अरे जरूर मिलेगी, तेरे जैसे सुंदर आदमी को नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी? ऐसा है क्या? जा, अभी जाता हूँ। अब उधार तो नहीं मांगोगे? ये मेरा जूता देखो, मांगूंगा तो इसी से मारना मुझे। जा, तेरे जूते से तुझे ही मारेगी वो। अरे तुम कौन हो? करोड़पति सुब्बाराव। देखो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें पैसों पर सुला सकता हूँ, पैसों पर तुम एंजॉय कर सकती हो। तुम्हारा फिगर देखकर मेरा शुगर कम हो गया ऐसा लग रहा है। मैं दिखने में कमजोर लगता हूँ लेकिन मैटर में बहुत स्ट्रांग हूँ। तुम बस फूल लगा के तैयार हो जाओ, मैं भी उधर से तैयार होकर आता हूँ। मामला सेट हो गया। अरे बुड्ढे, सर पे एक भी बाल नहीं है और तेरे को लड़की चाहिए, वो भी मैं चाहिए। क्या रे, तुम मेरे को ऐसी वैसी समझा है क्या? कैसे तू इधर आ गया? मैंने तो उसे हीरोइन बोला यार, फिर भी वो मुझे मारने लग गई। उसने तेरे पैसे नहीं लिए क्या? अच्छा, मुझसे पैसे लेकर उसके साथ मिलकर मुझे मार खिलवाया? ए, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, चल निकल यहाँ से, चल। ऐसा क्या? कुछ नहीं होगा क्या? दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ, दिखा, दिखा। दिखाऊंगा। उधर सामने एक डॉक्टर है, उसे जाके दिखा दे। अगर मैंने भी तुम्हें अपना खेल नहीं दिखाया ना तो नाम सुब्बाराव नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा। अबे जा। हे भगवान, ये सुब्बाराव जिंदगी में दोबारा ना आए। क्यों फोन किया? क्यों फोन किया? फिर बोलेगा उससे, फिर बोलेगा उससे। गर्लफ्रेंड को फोन करेगा? अरे मार क्यों रहा है? अरे मार रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करके गलत बोला, इसलिए मार रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा, मामा को सब लोग मिलकर मार रहे हैं। क्या क्या? हाँ, किधर? वहाँ बाहर। चल अरे चल। हाँ चलो 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 चलो। क्या हुआ? क्यों मार रहे हो उसे? इसी से पूछो ये बताएगा। मामा क्या हुआ? बोलो मामा, बोलो। एक सिगरेट लेके आ रहे? हाँ ठीक है मामा, चल जा जल्दी से लेके आ। सिगरेट देना तो। ये जल क्यों नहीं रहा है? बेवकूफ, एक लाइटर भी ढंग से नहीं जला सकता। चल जा, जाके पीछे बैठ। Mm-hmm.
चलोगी क्या? हाँ। सच कह रही हो ना? रूम किधर है? चलो दिखाती हूँ। मामा रुको, मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, आप वहाँ मत जाइए। बंद कर बे और चल भगाओ यहाँ से। अरे बाप रे। सब हुआ। ये क्या मामा, सब कुछ करके मुंडी ऐसे नीचे कर लिया जैसे बहुत भोले हो क्या मामा? आज तो इसको तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एक सेलिब्रिटी है, तुम लोग इन्हें नहीं जानते हो, ये यूट्यूबर स्टार है। मैंने कौन सी सुपरहिट फिल्म की है बे जो मुझे सेलिब्रिटी बता रहा है? मुंह बंद कर। भांजे कुछ भी करके मैनेज कर यार। रुको मैं कुछ करता हूँ। एक बार के लिए मेरे मामा को छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है बेटा, इस बार तुम्हारे कहने पर छोड़ रहा हूँ, अगली बार दिखाना तो चाकू से काट दूंगा इसे। देख लेंगे। लेकर जाओ। तेरे की। मामा सब कुछ ठीक है ना? कुछ गायब तो नहीं हुआ ना? ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसी बात बिल्कुल भी मत करो, समझे कि नहीं? चल। हाँ कौन है? डिपार्टमेंट। आओ बैठो। आपकी वाइफ कैसे चली गई? उस दिन हुआ क्या था? वो ऐसा ही सोचती है क्या? नहीं तो शायद पैसा देखकर उसकी सोच बदल गई हो और लालच में आकर उसने ये सब किया हो? आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं? ऐसा कमाने की सोच आपको पहले नहीं आई क्या? बोलिए, जवाब दीजिए ना। या फिर उनके साथ में कोई और पार्टनर है? हरी का और मेरा लव मैरिज था। बहुत खूबसूरत है ना? शानदार सिलेक्शन, तुम्हारे सिलेक्शन का तो जवाब ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। हाय। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रॉमिस। क्या कर रही हो? बाद में कॉल करूंगी। तुम्हें पता है ना, मेरा बस एक ही सपना है, हमारे देश में जितने भी अनाथ बच्चे और गरीब लोग हैं ना, उन सभी को वक्त से खाना और दवाई मिले। ना मिलने की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं, उन जैसे लोगों के लिए ये फाउंडेशन हो, यही मेरा सपना है। इतने दिनों बाद ये पूरा हो रहा है। मेरे फाउंडेशन के बारे में जानने के बाद मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारे जैसे बीवी जो मिल गई। Thank you.
तुम्हें ऐसे ही देखते देखते मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तुम जानते हो क्या? हाँ क्या? ओके 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 बाय। हाय अर्जुन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? इस ट्रस्ट के लिए 30 करोड़ का फंड आया है। ओ, ऐसा है क्या? इससे तो वो सारे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। उन लोगों को खुशी से जीने की जरूरत है क्या? मतलब? हाँ अर्जुन, इतने सारे पैसे अनाथ लोगों को देना सही नहीं होगा। हम ये सारे पैसे लेकर दूर चले जाते हैं और खुशी से जिएंगे। ये गलत है हरिका, कहीं लोगों की जिंदगी तुम्हारे हाथों में, ऐसा मत करना प्लीज। क्या बात कर रहे हो अर्जुन, हम उनके बारे में ही सोचते रहे तो हमारा क्या होगा? हाँ एक बार ठीक से सोचो अर्जुन, मेरी बात मानो, चलो। हरिका पागलों जैसी बातें करना बंद करो, कल ही इस पैसे के बारे में सबको बताना है, समझी तुम? उस रात वो सारा पैसा लेकर चली गई। ओके मैं अब चलता हूँ। एक सिगरेट देना। ये छोटू कहाँ चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मामा 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 मामा, पास में ही एक लड़की डांस करने जा रही है, आपकी रतालू भी आई है वहां पर। ऐसा क्या? हाँ चल फिर चलते हैं। हाँ अच्छा जल्दी चलो मामा। क्या भाई? बैठो 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 बैठो, इधर आओ इधर आओ। रेना क्या हुआ? घूमो घूमो घूमो, उठो 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 उठो, ऐसे ही सीधे रुको, रहो इधर ही रुको। तुम इधर ही रुको यहीं पे।
जेब में पैसे नहीं है और ये कमीना लड़कियां हैं और दारू है बोलकर मुझे यहाँ बुलाया, वो ऊपर से नीचे ही नहीं आ रहा है। छी, क्या करूं मैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम भी हो रहा है, ये क्या जिंदगी है रे। ए भाई, भाई रुको, भाई रुको रुको रुको, हेलो रुको, उस बेवकूफ की बात सुनकर मैं यहाँ भाग कर आया हूँ, यहाँ दारू तो छोड़ो पानी तक नहीं है, क्या करे बताओ। तुम अगर मुझे 2000 दोगे तो तुम्हारे नाम से मैं खंबा पीऊंगा। हाँ ठीक है, अरे वाह देंगे, सही है। अरे रे 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 रे, बिना पैसे दिए भाग रहे हो क्या? अरे यार क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। हाय सर। अरे हाय, बैठो बैठो। बैठता हूँ सर। कुछ दिन पहले एक लड़की आपके घर से चली गई थी ना? हाँ। उस दिन आप उस घर में गए थे क्या? अरे नहीं, भला मुझे उससे क्या लेना देना है। वो लड़की जब मिस हुई थी उस वक्त चेक में तेरा नाम था, बता उस लड़की के साथ क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। बता कमीने, बता मुझे, ये सब तू अकेले नहीं कर रहा है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, तेरे पीछे और कौन है, बोल बोल, नहीं तो मार डालूंगा, बता मुझे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। क्या रे जगन्नाथ का सूत्रधारी, तू कौन है मुझे पता नहीं है, तूने अपनी लाइफ बनाने के लिए तूने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू कहीं भी हो, अगर तुझ में दम है तो सामने आ। देखकर शौक हुआ क्या? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इस दुनिया को पता नहीं था मेरे बारे में, लेकिन तेरी वजह से सबको पता चल रहा है। तेरी प्रॉब्लम क्या है ये बता, मेरी बीवी के बारे में क्या जानना चाहता है तू? चल मैं तुझे बताता हूँ। हाय अर्जुन। हाय। अमेरिका से मेरे फ्रेंड ने फोन किया था, मेरे ट्रस्ट के बारे में सुनकर कहा अपने बिजनेस का 50% ट्रस्ट को देगा, मैं तो बहुत खुश हूँ, टोटल 30 करोड़ का कलेक्शन आया है, बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे ना। हरिका, इतने सारे पैसे उन अनाथ बच्चों को देना सही होगा क्या? क्या? हाँ हरिका, कब तक हम ऐसे जिएंगे बोलो, ये सारे पैसे लेकर हम कहीं जाएंगे जहाँ हम अच्छी जिंदगी जी सके। हाँ? चलो। क्या बात कर रहे हो अर्जुन, मैं सही कह रहा हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, कोई कैसे भी जिए उससे हमें क्या, बस मुझे खुशी से जीना है, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। छोड़ो, तुम चाहे जो भी कर लो, ये सारा पैसा बच्चों को ही जाएगा, समझे तुम? जल्दी इस चेक पर साइन करो। साइन नहीं करेंगे, वो चेक दे, इस चेक पे साइन कर, साइन करो जल्दी। मैं नहीं करूंगी। बच्चों को मैं मार दूं क्या, बोलो बोलो, लाइन पे है, बोलो। Hey, जाकर पुलिस को बता दो कि ये पैसा लेकर भाग गई है, समझे?
तरीके कैसे इंसान हो तुम? तुमने अपनी बीवी को मार दिया। ले जाओ इसे, ले जाओ। कौन है रे तू? मेरी बीवी से तुम्हें क्या लेना देना है? पुलिस हो या सीबीआई हो, मीडिया से हो क्या? ये बताओ मेरी बीवी के बारे में तुम क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? हरिका मेरी दोस्त थी, हमने बचपन से साथ में पढ़ाई की है। बहुत खुश हूँ विराट। हा? तुम अमेरिका जा रहे हो ना? हाँ ये सच है। तुम सेटल हो जाओगे इसकी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तुम इतनी दूर जा रहे हो इस बात का दुख है। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम मुझे इतना दूर क्यों भेज रही हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही हो? तुम भी मेरे साथ चलो ना। मेरा सपना वो नहीं है विराट, मैं यही रहकर गरीब बुजुर्ग लोगों की और अनाथ बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ। तुम मेरे ट्रस्ट के लिए मदद करना मेरे लिए उतना ही काफी है। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और तुम खूब तरक्की करना, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है ना? ठीक है, चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलते हैं। हाय विराट। हाय। क्या कर रहे हो? मैं घर में ही हूँ। क्या तुमने लव मैरिज किया है क्या? लेकिन कब, कैसे, अचानक में कैसे किया तुमने? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया? अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे जरूर समझेगा। और मेरे घर वाले भी जोर डाल रहे थे, इसीलिए शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा, मैं अपना ट्रस्ट शुरू कर रही हूँ, अर्जुन ने भी हाँ कर दी है। हाँ, ऐसा क्या? फिर मैं मेरी कंपनी के 50% शेयर तेरे ट्रस्ट को डोनेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच विराट। यू आर वेलकम। और बताओ? ओके, बाय देन। Ha 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 ha!